भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा आपके समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को निरंतर प्राप्त होता रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृ एकादशी के दिन एक सरल सा उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी तथा आपके घर परिवार के पितृ दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस बार पितृ एकादशी जो कि 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 सितंबर मंगलवार की रात को 9:26 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 सितंबर बुधवार की रात को 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत करते हैं उनको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी यानी पितृ एकादशी का व्रत 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन ही करना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 6:10 से लेकर 9:30 के बीच में कर लेना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत करके इस उपाय को करते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि आपके घर में, आपके परिवार में इस एकादशी का व्रत नहीं होता है और बिना एकादशी व्रत किए भी इस उपाय को यदि आप करेंगे तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बस आपको करना ये होगा कि एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद में धुले हुए वस्त्र आप धारण कर लेवे और उसके बाद आपके घर में तुलसी जी का गमला है, तुलसी जी का क्यारा जिसे कहा जाता है, तुलसी जी का चौरा भी जिसे कहा जाता है, या जहां पर आपके घर में या किसी भी मंदिर में जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तुलसी जी के समीप आपको जाना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको, कम से कम 11 बूंद गंगा जल आपको लेकर जाना है। और तुलसी जी के समीप में जहां पर शालिग्राम भगवान बैठे रहते हैं वहां पर सबसे पहले जाकर के आप खड़े हो जाइएगा और शालिग्राम भगवान को प्रणाम कीजिएगा। और अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो मानसिक रूप से उनका ध्यान कर लीजिएगा और ध्यान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी जी का पूजन अर्चन करें और तुलसी माता से भी प्रार्थना करें, भगवान नारायण स्वरूप शालिग्राम से भी प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके कहे कि हमारे समस्त पितरों को, समस्त पूर्वजों को परम शांति प्राप्त हो। और उसके बाद जो गंगा जल आपके पास में रखा है उसको आप जो है तुलसी जी के समीप रख देना है। तुलसी जी में उस गंगा जल को चढ़ाना नहीं है, अर्पण नहीं करना है, उसको तुलसी जी के क्यारे में या तुलसी जी के समीप में उस गंगा जल को प्रतिष्ठित कर देना है यानी रख देना है। बस इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो आपके पितरों को, आपके मृतक परिजनों को परम शांति प्राप्त होगी तथा उनको मोक्ष मिल जाएगा, उनको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे मृतक परिजनों को यानी पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही अगर आप इस एकादशी का व्रत करके पितृ एकादशी की कथा हमारे माध्यम से यदि सुनते हैं और समस्त एकादशी के नियमों का पालन हमारे बताए अनुसार यदि आप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो हम आपके लिए एकादशी की कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तजन एकादशी व्रत को अवश्य करें तथा अपने घर में इस दिन जो है हमने जो भी नियम पिछले वीडियो में बताए हैं उन सभी का पालन करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर आप करते रहें। तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, मंदिर में भगवान का पूजन करें, घर में भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण देवताओं का पूजन अर्चन करें, साधु संतों का सत्कार करें।
तथा अतिथियों का सत्कार करे, गरीबों जरूरतमंद लोगों की सहायता करे, दीनहीन की सहायता करे, घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर वरिष्ठ जनों का सम्मान करे, उनका आदर करे। इस प्रकार से आपको एकादशी व्रत के जो नियम हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं उनको पालन करते हुए आप यदि इस दिन इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित तौर से आपके समस्त पितरों को पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पितृ एकादशी की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपके लिए वीडियो अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। और इसी तरह यदि आप पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, या फिर वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान, फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।